नमस्कार दोस्तों, 87 कंपनियों की डिविडेंड बोनस मर्जर डिमर्जर स्प्लिट का वीडियो लगा रहा हूँ, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। 87वां कंपनी का नाम है अल्काइल एमाइन केमिकल्स, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 11 मई को है। नेक्स्ट कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 8 मई को है। नेक्स्ट कंपनी है शेषाई पेपर एंड बोर्ड, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 29 अप्रैल को है। डिविडेंड अच्छा आने पर स्टॉक में तेजी आ जाती है। नेक्स्ट कंपनी है क्रिशिल, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 18 अप्रैल को है। अगली कंपनी है HDFC बैंक, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 15 अप्रैल को है। अगली कंपनी है EID पैरी, जो 4 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड देगी। EX डेट 21 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी है बनारस होटल, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 19 अप्रैल को है। अगली कंपनी है टाटा कंज्यूमर, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 25 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है स्वराज इंजन, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 27 अप्रैल को है। अगली कंपनी है रामकृष्णा फॉर्जेंस, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 28 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है टाटा मेटेलिक, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 14 अप्रैल को है। अगली कंपनी है शिंजिन इंटरनेशनल, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 26 अप्रैल को है। अगली कंपनी है टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 14 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है मास्टेक, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 19 अप्रैल को है। 71वीं कंपनी है मॉल टेक, जिसकी डिविडेंड की मीटिंग 12 अप्रैल को है। 70वीं कंपनी है मॉल टेक पैकेजिंग, जिसकी डिविडेंड की मीटिंग 12 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है LTI माइंडट्री, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 27 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है मारुति सुजुकी, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 26 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम, जो स्प्लिट करेगा 1:10 में, मतलब एक शेयर 10 शेयर में कन्वर्ट होगा। रिकॉर्ड डेट 4 मई है। 66वीं कंपनी थायरो केयर टेक है, जो डिविडेंड 18 रुपया प्रति शेयर देगी। रिकॉर्ड डेट 20 अप्रैल है। 65वीं कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 19 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 17 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है स्टॉव इंडस्ट्रीज, जो 47 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड देगी। EX डेट अपकमिंग है। नेक्स्ट कंपनी GM ब्रेवरीज है, जो 6 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड देगी। EX डेट अपकमिंग है। नेक्स्ट कंपनी है मुथूत फाइनेंस, जो 22 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड देगी। EX डेट 18 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी है ग्लोबल कैपिटल, जो स्प्लिट करेगा 1:10 में, मतलब एक शेयर 10 शेयर में कन्वर्ट होगा। EX डेट 18 अप्रैल है। 59वीं कंपनी ग्लोबल कैपिटल ही है, जो स्प्लिट के साथ बोनस भी देगी। यह 10:6 में देगी, मतलब 6 शेयर पर 10 शेयर फ्री देगी। EX डेट 18 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी ई मुद्रा है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 28 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी MM फाइनेंस है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 26 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी वर्धमान स्पेशल स्टील है, जिसकी बोनस की मीटिंग 12 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी टेक महिंद्रा है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 27 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी एक्सिस बैंक है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 27 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी टाटा कॉफ़ी है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 18 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी L&T टेक सर्विसेज है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 26 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी पोन्नी सुगर्स इरोड है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 28 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी ब्रिटानिया है, जो 72 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड देगी। EX डेट 13 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी अनंत राज है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 15 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी धामपुर सुगर मिल्स है, जो स्पेशल डिविडेंड 1 रुपया प्रति शेयर देगी। EX डेट 18 अप्रैल है।
नेक्स्ट कंपनी धामपुर शुगर मिल्स ही है जो इंटरिम डिविडेंट ₹5 प्रति शेयर देगी। ईएक्स डेट 18 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी टिप्स इंडस्ट्रीज है जो स्प्लिट करेगा 1:10 में। रिकॉर्ड डेट 21 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी विशाखा इंडस्ट्रीज है जो डिविडेंट ₹7 प्रति शेयर देगी। ईएक्स डेट 12 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट है जिसकी डिविडेंट प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 27 अप्रैल को है। 43वीं कंपनी का नाम ऑल कार्गो लॉजिस्टिक है जो डिमर्जर करेगी 1:1 में। फ्री शेयर का नाम ट्रांस इंडिया रहेगा। ईएक्स डेट 17 अप्रैल है। 42वीं कंपनी है बजाज फिनसर्व जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 27 अप्रैल को है। 41वीं कंपनी है बजाज फाइनेंस जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 26 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है महाराष्ट्र स्कूटर्स जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 24 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है एवेंटेल जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 13 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है आनंद राठी वेल्थ जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 12 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है विशाखा इंडस्ट्रीज जो ₹7 प्रति शेयर डिविडेंड देगी। ईएक्स डेट 12 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी है इलेक्ट्रॉन इंडस्ट्रीज जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 25 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी है कंफर्ट इंटेक जो स्प्लिट करेगा 1:10 में, मतलब 1 शेयर 10 शेयर में कन्वर्ट होगा। ईएक्स डेट 14 अप्रैल है। 34वीं कंपनी निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट्स है जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 25 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी HDFC एसेट्स मैनेजमेंट है जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 25 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी TCS है जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 12 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी गुडलक इंडिया है जो ₹2 प्रति शेयर डिविडेंड देगी। ईएक्स डेट 14 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी अतुल लिमिटेड है जिसकी डिविडेंड की मीटिंग 28 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस है जिसकी डिविडेंड की मीटिंग 25 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी ICICI सिक्योरिटीज है जिसकी डिविडेंड की मीटिंग 19 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी IFL इंटरप्राइजेज है जो बोनस देगा 1:4 में। रिकॉर्ड डेट 21 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी IFL इंटरप्राइजेज ही है जो स्प्लिट करेगी 1:10 में। रिकॉर्ड डेट 21 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी है मुफिन ग्रीन फाइनेंस जो स्प्लिट करेगा 1:2 में। रिकॉर्ड डेट 15 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी है एडेलविस फाइनेंशियल सर्विसेज जो 25 पैसा प्रति शेयर डिविडेंड देगी। ईएक्स डेट 13 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी है श्री दिग्विजय सीमेंट जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 27 अप्रैल 2023 को है। नेक्स्ट कंपनी है ICICI लंबोर्ड जैन इंश्योरेंस जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 18 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी LG बालाकृष्णन ब्रोज है जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 29 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी UTI एसेट्स मैनेजमेंट है जिसकी डिविडेंड की मीटिंग 26 अप्रैल 2023 को है। नेक्स्ट कंपनी बजाज ऑटो है जिसकी डिविडेंड की मीटिंग 25 अप्रैल 2023 को है। नेक्स्ट कंपनी जोस्ट इंजीनियरिंग है जो स्प्लिट करेगा 1:25 में। ईएक्स डेट 28 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी है नेस्ले इंडिया जो ₹75 प्रति शेयर डिविडेंड देगी। ईएक्स डेट 21 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी नेस्ले इंडिया ही है जो एक और डिविडेंड देगी जिसकी मीटिंग 12 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी फैमिली केयर एंड हॉस्पिटल है जिसकी बोनस प्लस स्प्लिट की मीटिंग 20 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी जेट इंफ्रावेंचर है जो बोनस 1:1 में देगी, इसकी ईएक्स डेट 21 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी इंफोसिस है जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 13 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी एम्फेसिस है जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 27 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी के सॉल्व इंडिया है जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 23 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी ICICI बैंक है जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 22 अप्रैल 2023 को है।
नेक्स्ट कंपनी केस ऑफ इंडिया है, जिसकी डिविडेंड की मीटिंग 23 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 20 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी कॉफोर्ज है, जिसकी डिविडेंड की मीटिंग 27 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट है, जिसकी डिविडेंड प्लस क्वार्टर रिजल्ट की मीटिंग 28 अप्रैल को है। नेक्स्ट कंपनी वेशुविच है, जो 8.25 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देगी। एक्स डेट 26 अप्रैल है। नेक्स्ट कंपनी KSB है, जो 15 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देगी। एक्स डेट 28 अप्रैल है। फर्स्ट और फाइनल कंपनी सनोफी इंडिया है, जो 377 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देगी। इसकी एक्स डेट 28 अप्रैल है।